कंट्रोवर्शियल कॉमेडी शो एआईबी रोस्ट में भाग लेने वाले बॉलीवुड सितारों के खिलाफ पुणे के बंद गार्डन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल इस शो में भाग लेने की वजह से कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें फिल्म निर्माता और डायरेक्टर करण जौहर, एक्ट्रेस अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा शामिल हैं। बता दें कि ये केस आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। एआईबी पर आरोप है कि व्यंग और हास्य के नाम शो में गाली गलौज परोसी गई, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। शो में करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर जैसे सितारे शामिल हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने शो की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से राइट ऑफ एक्सप्रेशन जैसे सवाल उठे, मगर इन सबके बीच विवाद और विरोध इतना बढ़ा कि एआईबी के इस शो को यूट्यूब से हटाना पड़ा। फिल्म फेडरेशन ने भी इस शो का विरोध किया है। चिट्ठी लिखकर शो की भाषा पर विरोध जताया गया। साथ ही एआईबी में शिरकत करने वाले करण जौहर, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर जैसे सितारों को सुझाव एवं अपील की गई है कि वे इस प्रकार के शो का हिस्सा ना बने। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।